नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के 8वीं के क्लास को देख रहे हैं और मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कि कैसे आसानी से जो है पढ़ना बोलना लिखना सीख सकते हैं, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपको आप आसानी से पढ़ना सीखना चाहते हैं, बोलना सीखना चाहते हैं या लिखना सीखना चाहते हैं, तो बस करना यही होगा कि अधिक से अधिक जो है वर्ड मीनिंग को याद किया जाए। यहाँ तो अधिक से अधिक अगर वर्ड मीनिंग याद करते हैं तो ये वर्ड मीनिंग जो है आपको बहुत ही हेल्प करेंगे, अगर आप प्रॉपर रूप से इंग्लिश नहीं भी सीखते हैं तो भी, क्योंकि इसी वर्ड मीनिंग के आधार पर सब कुछ तो होता है। आप पढ़ पाएंगे तो भी कम से कम जो है इतना सारा वर्ड मीनिंग पढ़ लेंगे, बोलना चाहेंगे तो छोटे छोटे जो वर्ड होते हैं जैसे कि जिसका यूज़ लोग कर लेते हैं और अपने आप को प्रूफ करते हैं कि हाँ उनको इंग्लिश आता है, या लिखने में भी तो आसान हो जाता है। देखिए इस वीडियो को नीचे देख वीडियो है देख रहे हैं, इस वीडियो को नीचे एक सब्सक्राइब बटन है, इसको जरूर दबाइए, अधिक से अधिक लोग दबाइए और घंटी को दबाइए ताकि आप रोज़ इस तरह के वीडियो और पा सकें। देखिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए ताकि और भी इस तरह के वीडियो आते रहे हमेशा रेगुलर। अब दोस्तों देखिए, इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग की बात की जा रही है और ये इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग जो है अगर आप देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में टाइप कीजिए, जहाँ दोस्तों आप रीडिंग, राइटिंग और स्पोकन से सारे के सारे वीडियो देख पाएंगे, वो भी बिल्कुल जो है विथ इजी स्टेप। क्योंकि अगर रिटन की बात की जाए तो सब कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर पर सेट कर दिया गया, अगर आप लिखना सीख जाएंगे तो बस ये वर्ड मीनिंग ही आपको जो है एक एडवांस लेवल तक ले जा सकता है, क्योंकि जब अधिक से अधिक वर्ड मीनिंग ही रहेगा तभी आप कुछ कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज के जो है वर्ड मीनिंग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेसिक जो है और डेली यूज वर्ड्स हैं। देखिए, दो एक ही स्लाइड में दो कॉलम होंगे, यानी टोटल यहाँ 14 वर्ड मीनिंग आप देखेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा ये। तो हिंदी से इंग्लिश इसलिए मैंने लिया है ताकि आप जब भी इंग्लिश से हिंदी करते हैं, एक्चुअली जब बोलना सीखना चाहते हैं या लिखना सीखना चाहते हैं तो हिंदी को ही ट्रांसलेट करते हैं, इसलिए हिंदी से इंग्लिश लिया है, इंग्लिश से हिंदी नहीं, क्योंकि इंग्लिश वाले वर्ड आपको मिले ही कहाँ जब आप ट्रांसलेट करेंगे, यानी कि जब है ना जैसे लिखना बोलना चाहते हैं लिखना चाहते हैं मैं जाता हूँ, है तो इसमें जाहिर सी बात है कि आई गो लिखना चाहते हैं, या तो इसी तरह के बहुत सारे वर्ड मीनिंग जब आएंगे जो कि बेसिक रहेंगे तो सोचते हैं आप तो हिंदी में, इसलिए हिंदी वर्ड मीनिंग ही होना चाहिए, हिंदी से इंग्लिश वाले, तभी आप ज़्यादा जल्दी कवर करेंगे। फिर जब आप सीख लेंगे एक लेवल के बाद फिर आप इंग्लिश से हिंदी करेंगे तो, क्योंकि ज़्यादा ज़्यादा वर्ड मीनिंग आपके पास एक पावर आ जाएगा, वर्ड पावर। देखिए, वैकुबलरी होना चाहिए ये है ना। देखिए, ऑक्सफोर्ड की बात करते हैं तो ऑक्सफोर्ड में तो अगर 1 लाख 1.5 लाख की बात करते हैं तो 1 लाख 1.5 लाख वर्ड मीनिंग की जरूरत नहीं है, मैक्सिमम 2 से 3 हज़ार वर्ड मीनिंग ही आपके जीवन में यूज़ होते हैं। दूसरी बात कि जिस सेक्टर, मतलब आप सेक्टर कह रहे हैं कि जिस भी फील्ड से हैं आप, जैसे कि अगर आप एडवोकेट बनना चाहते हैं तो आपको लॉ से रिलेटेड वर्ड मीनिंग याद करने होंगे, डॉक्टर बनना चाहते हैं तो मेडिकल, उनके लिए अलग से कोई डिक्शनरी ही आती है, इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं तो उसके लिए अलग वर्ड मीनिंग होंगे, तो हर क्षेत्र के लिए अलग अलग वर्ड मीनिंग होते हैं। पॉलिटिकल जाना चाहते हैं तो उसके अलग, सोशल के लिए अलग, है ना। तो ये सब देखना होगा, ध्यान से देखना होगा। तो चलिए पहले बेसिक देख लेते तो उसके बाद खुद ब खुद समझ में आने लगा। चचेरा भाई हो, चचेरी बहन हो, है ना, मौसे यार मौसेरा भाई हो, मौसेरी बहन हो, फुफेरा भाई हो, फुफेरी बहन हो, सबके लिए कज़िन का इस्तेमाल करते हैं। अब भाई है तो ब्रदर हो जाएगा और बहन तो सिस्टर हो जाएगा, तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, यानी कि चचेरा भाई, चचेरी बहन, फुफेरा भाई, फुफेरी बहन, ममेरा भाई, ममेरी बहन, ये तीन रिश्तों में लड़का लड़की के सेंस में आप कज़िन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कज़िन क्या बोलते हैं इसे, कज़िन। अब ब्रदर होगा तो ब्रदर बोलेंगे, और सिस्टर को सिस्टर बोलेंगे। आवरण क्या होगा, कवर। तो यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो 6 तरह के वर्ड्स हो जाते हैं रिलेशन से रिलेटेड, ये वर्ड मीनिंग है। तो ये आवरण कवर, देखिए ई आर कवर बोलते हैं, भी लगा तो कवर हो गया, सी ओ से कवर हो गया, ऐसे ही पढ़ते हैं कज़िन, इसको यहाँ पर जो है ज पढ़ा गया इसलिए कज़िन हो गया। व्याप्ति, कवरेज, कवरेज, कवर, AGE को एज बोलते हैं, आर के साथ लगा तो रेज हो गया, ई आर को ऐसे भी आर बोलते हैं, भी लगा तो कवर हो गया, तो कवरेज। गाय, काउ, इसको कॉपी पे लिखेंगे ताकि आप बार बार जो है हमारे वीडियो को ना देखकर वहाँ से ही वर्ड मीनिंग आपको याद करने होंगे, लिखने होंगे। और देखिए, जहाँ जो हार्ड वर्ड मीनिंग होगा मैं तोड़ कर बताऊँ कैसे याद किया जाएगा। क्रैक, क्रैक, CRA, क्रैक, CK, क्रैक, यानी कि दरार। शिल्प, क्राफ्ट, क्राफ्ट। नेक्स्ट है दुर्घटना, दुर्घटना के लिए एक्सीडेंट तो सभी लोग जानते हैं क्रैश, है ना, खासकर ये प्लेन के स्थिति में होता है
तो क्रैश होता है प्लेन जब चलता है और जब दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है यानी कि क्रैश हो जाता है, बोलते हैं ना क्रैश हो गया, पागल या छिन्न, क्रेजी, क्रेजी किया रे वर्ड गाना भी है। तो इस तरह से ये वर्ड मीनिंग है, देखिए कैसे हिंदी में यूज़ हो जा रहे हैं, पागल या छिन्न। मलाई को बोलते हैं क्रीम, क्रीम उत्पन्न करना, क्रिएट, क्रिएट। नेक्स्ट है निर्माण, क्रिएशन, क्रिएशन, क्रिएशन। रचनात्मक, क्रिएटिव, क्रिएटिव, टी आई वी को टिव बोलते हैं, तो क्रिएटिव हो गया। देखिए भूत, जंतु, प्राणी, भूत, जंतु, प्राणी। क्रिएचर, टी यू आर ई को बोलते हैं चर। साख या श्रेय, क्रेडिट, है ना, क्रेडिट, साख, ये बैंकिंग क्षेत्र का वर्ड है। और श्रेय तो ऐसे ही, जब आप किसी को श्रेय देते हैं, क्रेडिट का, क्रेडिट देते हैं ना, क्रेडिट लोग देते हैं किसी का। चल नेक्स्ट देखते हैं, ये है ध्यानपूर्वक देखेंगे। ये देखिए दोष सिद्धि, कन्विक्शन, कन्विक्शन, ये लॉस रिलेटेड वर्ड है कन्विक्शन। यकीन दिलाना, कन्वेंस, कन्वेंस बोलते हैं ना, कन्वेंस, है ना, सी को स बोलते हैं, सी यू एन को कन बोलते हैं, प्रीफिक्स वर्ड है ये, प्रीफिक्स वर्ड है जो शुरू में आता है, सन जो है बाद में आता है, सफिक्स वर्ड है। तो कन भी याद हो गया, शन भी याद हो गया, तो कन्विक्शन, कन्वेंस, कन्वेंस। बिस्कुट, ऐसे बिस्कुट लोग बोलते हैं लेकिन एक्चुअली बिस्कुट नहीं होता है, बिस्किट होता है, बिस्किट, इस तरह से ये करेक्ट होता है। ये तद्भव शब्द हो गया, ये बिस्किट जो है शुद्ध है, लेकिन बिस्किट भी एक अंग्रेजी वर्ड है ना। अब बिस्किट भी अंग्रेजी वर्ड है तो जाहिर सी बात है बिस्किट के बिस्कुट हो गया। तो धीरे धीरे ये शब्द जो शब्द है बदल जाते हैं, हिंदी में इस तरह से यूज़ हो जा रहे हैं इंग्लिश की, पता भी नहीं चलता कि कौन सा वर्ड क्या है। तो बिस्किट इंग्लिश वर्ड है, और इसके लिए कुकीज़ का इस्तेमाल करते, कुकी, कुकीज़, है ना, कुकीज़, एस लग जाएगा, कुकीज़, बहुत सारे बिस्किट हो सकते हैं। खाना बनाना, कुकिंग, ये एक्शन वर्ड है। ठंडा, कूल, कोल्ड भी तो बोलते हैं, ठंडा को कोल्ड भी बोलते हैं, कूल मीन्स भी ठंडा। सहयोग, कोऑपरेशन, को ओ पे रेशन, टी आई एन को सन बोलते हैं, इसको याद कर लीजिए, सन यहाँ भी आया था, यहाँ भी है। पुलिस, कॉप बोलते हैं, कॉप, कॉप है, हाँ, पुलिस को पुलिस बोलते हैं, कॉप भी बोलते हैं। सामना, कोप। नेक्स्ट है प्रतिलिपि, कॉपी, मूल, कोर, मूल मीन्स, कोर मीन्स होता है केंद्र भी होता है ना, तो याद रखिए केंद्र भी होता है कोर मन का मतलब। कोना या नुक्कड़, कॉर्नर, कोना, किसी एरिया का कॉर्नर को बोलते हैं कोना, तो कॉर्ना, तो ई आर कॉर बोलते हैं, लगा तो नर हो गया, कॉर्नर। निगमित, कॉरपोरेट, कॉरपोरेट, एक के बाद ऐसे ही आया तो उच्चारण एक, और उच्चारण एक रूप में हुआ तो रेट हो गया, ये कॉरपोरेट। निगम, निगम का हो गया कॉरपोरेशन, टी आई उनको बोलते हैं शन, कॉरपोरेशन, सही का हो गया। करेक्ट, करेक्ट, है ना, करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारे हिंदी से इंग्लिश वाले वर्ड मीनिंग है। तो ये देखिए क्या है, संवाददाता, ऐसे हो जाएगा संवाददाता, संवाद उसमें दाता, यानी कि अपना जो है किसी के बात को सुनना और उसको प्रेषित करना, है ना, या देने वाला, तो संवाददाता। कॉरेस्पॉन्डेंट, क्या बोलेंगे, कॉरेस, कॉरेस्पॉन्डेंट, ई एन टी को एंट बोलते हैं, डी लगा तो डेंट हो गया, कॉरेस्पॉन्डेंट। मूल्य का हो गया कॉस्ट, यानी प्राइस बोलते हैं इसे, है ना, कॉस्ट। सूती का कॉटन, वर्ड को याद कर लीजिए, डबल टी वाला है कॉटन में। सोफ़ा को कॉच, क्या बोलते हैं, कॉच, सोफ़ा तो बोलते हैं लोग, कॉच, ये इंग्लिश वर्ड हो गया। सका था, यानी कुड। कैन, देखिए कैन होता है, कैन मीन सकता है, तो इसका पास्ट हो जाता है कुड, कैन का पास्ट होता है कुड, कुड में सका था, वो यूल्डी कुड बोलते हैं, सी लगा तो कुड हो गया। परिषद, काउंसिल, कौन, काउंसिल, काउंसिल। परामर्शदाता, काउंसेलर। गिनती, काउंट, पटल, काउंटर। देश, कंट्री, युगल, कपल, साहस।
करेज, आर के साथ लगा एज तो रेज हो गया, करेज। कार्य प्रणाली, कोर्स कोर्स, न्यायालय कोर्ट है ना, कोर्ट न्यायालय या अदालत भी बोलते हैं उसे, कोर्ट को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और ये रहा नेक्स्ट, कर्मी दल क्रू है ना, इसे बोलते हैं क्रू, क्रू मेंबर, मेंबर बोलते हैं ना, कर्मी दल मेंबर हो जाता है यहाँ पर, कर दिए मेंबर, MEM और BER, क्रू मेंबर, कर्मी दल। अपराध क्राइम है ना, और क्रिमिनल हो जाता है, इसी से चलता है अपराधी, अपराधी के लिए क्रिमिनल, क्रिमिनल ऐसे याद करेंगे, क्राइम। क्रू संकट, क्राइसिस है ना, क्राइसिस 6 लेटर का, मापदंड क्राइटेरिया, क्राइटेरिया। आलोचक क्रिटिक, क्रिटिक है ना, क्रिटिसिज्म आलोचना होता है, क्रिटिक मीन्स आलोचक। नाजुक क्रिटिकल, क्रिटिकल यानी नाजुक, आलोचना का क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म IS को इज्म बोलते हैं, तो हो गया क्रिटिसिज्म, ये ज है। नेक्स्ट है आलोचना करना, क्रिटिसाइज, देखिए क्रिटिसाइज कितना इसी तरह से पढ़िए, एक तो क्रिटिक आलोचक है ना, क्रिटिकल नाजुक, आलोचना का हो जाए क्रिटिसिज्म, और आलोचना करना क्रिटिसाइज है ना, क्रिटिसाइज मत करो, तो इस तरह का वर्ड खाली यूज तो कीजिए आप, क्रिटिसाइज। काटना क्रॉप है ना, क्रॉप काटते हैं ना, पिक्चर को काटते हैं किसी चीज़ को, यानी कि छोटा करते हैं बड़ा करते हैं, तो क्रॉप करते हैं ना, काट काट छाट करते हैं, तो ये काटना हो गया। आर पार क्रॉस भीड़, क्राउड क्राउड है ना, क्राउड। निर्णायक क्रूशियल, क्रूशियल रोना का होता है क्राई, या विप भी होता है, तो कल सी वाला चल रहा है क्राई। नेक्स्ट देखिए हिंदी टू इंग्लिश वाला ध्यानपूर्वक, सांस्कृतिक कल्चर्ड, कल्चरल कल्चरल, संस्कृति कल्चर, TER को चर बोलते हैं है ना, इसी से चर से चरल बना है, तो सांस्कृतिक कल्चरल, संस्कृति कल्चर, वर्ड मीनिंग इस तरह से याद हो, जहाँ मैं ब्रेक करके तोड़ रहा हूँ समझ लीजिए, प्याला कप। उत्सुक क्यूरियस, OUS को बोलते हैं अस, तो क्यूरियस। समसामयिकी करेंट, क ENT को एंट बोलते हैं, तो रे अर्थ रेंट, तो करेंट। सामान्य रूप से करेंट, करेंटली LY को ली बोलते हैं, करेंटली। पाठ्यक्रम करिकुलम, क करी क्यूलम है ना, करिकुलम। रीति रिवाज कस्टम, देखिए करिकुलम कैसे आ रहा है, CUR करी, CUD वाला RI करी हो गया, CUZ कु हो गया, LUM से लम हो, करिकुलम। रीति रिवाज कस्टम, OM को हम बोलते हैं, तो हो गया कस्टम। उपभोक्ता कस्टमर, ER को बोलते हैं, लगा तो मर हो गया। काटना क्या हो, कट। साइकिल साइकिल है ना, साइकिल साइकिल। पिता क्या होगा, डैड, पिता का हो जाए डैड, फादर भी बोलते हैं। देखिए प्रति डी वाला स्टार्ट हो गया, प्रतिदिन डेली, यू डेली यूज बेसिक वर्ड यही है ना, तो डेली का स्पेलिंग देखिए, डेली। नाचना ANC को एंस बोलते हैं, तो डी के साथ लगा तो डांस हो गया, डांस। दोस्तों इस वीडियो में ही तक, बताइए ये कैसा लगा आपको, ये वर्ड्स अच्छे लगे या नहीं लगे, डेली यूज वाले वर्ड्स है, इसी तरह के वर्ड आपको रोज देखने को मिलेंगे, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए सभी को, और नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाने वाले वीडियो के लिए एक लिंक यहाँ देगा चैनल को सब्सक्राइब करने का, नीचे वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन है, घंटी है, दबा दीजिए, और कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ मिलेगा आपको, और प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ है दोस्तों, तो वीडियो को देखते रहिए, और सारे वर्ड मीनिंग को लिख कर याद कर लीजिए, यहाँ से कॉपी पे जरूर लिख के। दोस्तों इस वीडियो में तक धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं लोगों को ध्यान रखें, धन्यवाद, थैंक्स, धन्यवाद सर।